झारखंड राज्य में जैन धर्मियों का पवित्र धार्मिक स्थल श्री समेत शिखर जी नाम से व्याख्यात है, जहां जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 20 तीर्थकार भगवान का निर्माण हुआ है। पर झारखंड सरकार ने अब इन पवित्र जैन धर्म स्थल को पर्यटन केंद्र के नाम पर विकसित करने की बात कर रहे हैं, जहां रिसोर्ट, परमिट रूम, मांसाहार जैसी चीजें शुरू होगी। इन पवित्र स्थल पर यह सब शुरू होगा, इस बात को लेकर करोड़ों जैन समाज के लोगों की भावनाएं दुखाई गई है, जिसके चलते पूरे देश के जैन समाज के लोग और गुरु भगवंत एकत्रित होकर श्री समेत शिखर जी बचाओ अभियान के माध्यम से रास्ते पर उतर आए हैं। आइए सुनते हैं जैन समाज के क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में। आज पहली बार जैन सभी एक होके इस अभियान में क्यों जुड़े हैं, क्योंकि ये सबकी आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है और ये बिलीफ का भी विषय है, और दिस इज सपोर्टेड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। शिखर जी इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर जैन्स अनडिस्प्यूटेबल, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, लेकिन समहाउ गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग इन ए डिफरेंट वे एंड नॉट गिविंग द लेजिटिमेट राइट्स टू जैन्स। इसके लिए सारा जैन उतर चुका है और ये हर एक ठिकाने हो रहा है, खाली पुणे नहीं, बॉम्बे, बैंगलोर, हर ठिकाने रैलियां हो रही है। और दिस इज वी जैसे वी आर सेवी शिखर जी कैंपेनर्स, बट हम आचार्य भगवंत जी गोशन श्री में कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों की लागनी लग गई है, तो हर लोग ये कर रहे हैं बाय देमसेल्व्स, इट इज नो प्लानिंग। अपन बोले ना, कोई अभी रोक नहीं पाएंगे इनको, और सरकार को ये सुननी ही पड़ेगी ये जैनों की लेजिटिमेट आवाज को। यूँ देखने जाए तो सभी शिखर यहाँ जो तीर्थ है पारसनाथ हिल के नाम से तो जाना जाता ही है। अगर हम कानूनी दस्तावेजों की बात करें तो ईस्वी सन 700 से उसके ना दस्तावेज हमारे पास है। आप विचार कीजिए कि इतना पुराना जो जैन समाज का धरोहर है, जैन समाज की धरोहर है, उस चीज़ को किस ढंग से गवर्नमेंट अपने आप में अपने ताबे में लेने की कोशिश कर रही है, यह सरासर गलत है। अगर सरकार हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश करती है तो निश्चित ही हम बहुत ही जोरदार इसका प्रतिकार करेंगे। आज अभी हम लोग शांति से हमारा यह हिंसात्मक रूप में मोर्चा निकाल रहे हैं, कल इससे भी तीव्र आंदोलन हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी इस जगह पे किसी ने भी आकर उस पर अपना हक जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये हमारा भाव रहेगा। द INS न्यूज चैनल के लिए पुणे से राकेश छाजेड़ की खास रिपोर्ट।